नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका navbharattimes.com में। दोस्तों, साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून 2021 को है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान प्रकृति में नकारात्मकता छा जाती है। ऐसे में हर किसी को सावधान रहने की या कुछ उपाय करने की सलाह दी जाती है। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, साल के पहले सूर्य ग्रहण को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं। गर्भवती महिलाओं के मन में ग्रहण को लेकर चिंता का भाव बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि इस सूर्य ग्रहण को लेकर गर्भवती महिलाओं को जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल यह सूर्य ग्रहण भारत में अरुणाचल के कुछ हिस्सों और कश्मीर में दिखेगा, और वह भी आंशिक रूप से। ऐसे में इसका सूतक भी पूरे देश में मान्य नहीं है, इसलिए इस सूर्य ग्रहण से भय पालने की जरूरत नहीं है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य से निकलने वाली रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट किरणें डीएनए तक को प्रभावित करती हैं। इससे गर्भ में पल रहे बच्चे पर प्रतिकूल असर होता है। इससे बच्चे का विकास प्रभावित होता है। इसलिए प्राचीन काल से मान्यता चली आ रही है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर के अंदर ही रहना चाहिए, ताकि सूर्य की किरणें गर्भ पर न पड़े। प्राचीन मान्यताएं यह भी कहती हैं कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को नुकीली चीजों जैसे कैंची, चाकू, सिलाई कटाई के प्रयोग से बचना चाहिए। दरअसल ऐसी धारणा है कि इससे बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपने इष्ट के मंत्रों का जप करना चाहिए। सूर्य चालीसा का पाठ करना भी इस समय अच्छा माना जाता है। इससे गर्भ में पल रहे शिशु को सकारात्मकता मिलती है। मान्यता है कि इस दौरान गर्भवती महिला को कुश के आसन पर बैठना या लेटना चाहिए। कुश को नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने वाला माना जाता है। ग्रहण के सूतक काल शुरू होने से पहले ग्रहण के खत्म होने तक गर्भवती महिलाओं को तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दूध और फल का सेवन करने में कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य ग्रहण की घटना को आध्यात्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में लाभ प्राप्ति के लिए ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को मानसिक जप करना चाहिए, यह उनके लिए लाभकारी रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें navbharattimes.com। नमस्कार।